तो पूरे 365 दिन नहीं होने से उसमें क्या हुआ कि बरसात कभी एक महीने में आती थी, ठंड कभी दूसरे महीने में आती थी, यानी वो कैलेंडर चलता ही नहीं था, वो इंग्लिश कैलेंडर चला नहीं 2 साल। फिर हमारे भारत देश से यूके में व्यास जी को बुलाया, यानी विद्वान लोगों को समय व्यास की उपलब्धि थी, तो व्यास को बुलाया कि कहा ये हमारा कैलेंडर चलता नहीं है, आप इसको समझाइए कैसे चलेगा ये। और उस कैलेंडर में जो पहले इंग्लिश में बना था उसमें केवल 10 महीने थे, 10 महीने वो आप अभी समझ सकते हैं। सितंबर महीना जो है, सितंबर जिसको हम सितंबर बोलते हैं, वो संस्कृत शब्द सप्तम से आता है, सप्तम यानी सातवां। अक्टूबर महीना संस्कृत शब्द अक्टूबर से अष्टम से आता है, और नवंबर महीना संस्कृत शब्द नवम से आता है, और दिसंबर महीना संस्कृत शब्द दशम से आता है। ऐसा 10 महीने का वो कैलेंडर था और वो चला रही। तो उसने व्यास जी ने बताया कि सर आगे आप इसको एकादशम और द्वादशम करके 2 महीना और ऐड करिए तो ये कैलेंडर पूरा ठीक से चलेगा, आपका बराबर होगा। अब हम लोग उससे गुलाम थे, हमारा सजेशन कोई मानता नहीं था, नहीं था सही बात। तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग इसको पहला नहीं ऐड करेंगे, बाद में नहीं ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे। तो उन्होंने जो 63 दिन बच गए, उन्हें 61 दिन बच गए, वो जनवरी और फरवरी करके ऐड किया। इसीलिए फरवरी में जो बचे हुए दिन 28, इसीलिए फरवरी में बचे हुए दिन बच गए, नहीं तो बीच में आप कैलेंडर लिख रहे हैं और 28 फरवरी में डे हो गए, वो कैसा हो गया। यानी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से भी 1 मार्च को पहला दिन आता है, 1 जनवरी को नहीं आता कभी भी। अब हम लोग वो समझते नहीं है, इसलिए अपने हिसाब से 1 जनवरी मनाते हैं। अब वो वैज्ञानिक रूप है क्या, ये आप देखना। नहीं, हम लोग आज के दिन क्यों मनाते हैं, प्रकृति को आप ध्यान से देखना। जनवरी महीने में पतझड़ का समय आता है, यानी पत्ते प्रकृति से पेड़ों से झड़ते हैं। आप ही देख लेना, अभी मेरे को आपने देखा नहीं होगा तो कभी भी नोट कर लेना अपने जाते समय। फरवरी महीने में हम वसंत पंचमी मनाते हैं, वसंत आता है, और आज के दिन यानी वर्ष प्रतिपदा के दिन झाड़ों में सबसे ज्यादा नए पत्ते होते हैं। सबसे ज्यादा नए पत्ते झाड़ों में होते हैं आज के दिन, ये आप अभी नोट कर लेना, कोई भी झाड़ में जाके आप देख लेना। इसी कारण है कि प्रकृति अपने नव निर्माण में पूर्ण रूप से तैयार रहती है, इसीलिए हम आज वर्ष प्रतिपदा का दिन नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। जय श्री राम। तो इंग्लिश कैलेंडर कोई नया वर्ष बनाते ऐसा नहीं है, ये मोर वैज्ञानिक रूप है, और भारत विकास परिषद की परंपरा रही है कि जब प्रकृति नया रूप लेती है तो हमारे नए अध्यक्ष भी आते हैं और हम उसको नए अध्यक्ष की वंदे मातरम। इसी संस्कृति को आप सब पालन करें, मेरा एक ही निवेदन है, भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप से है, आप उसको मानने मनाने का समझने का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य के साथ में मैं समझता हूँ आगे आप सब करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद गुप्ता जी, और मैं दिल से माफी चाहता हूँ कि आपको समय से ज्यादा देर तक हमने रोक के रखा। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान मानवचंद जी डाटा से कार्यक्रम को, उसके बाद हम कार्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम